हाँ गाइस, आपने सही देखा थंबनेल। थंबनेल में ये देखा हुआ है कि आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही बात है, एक अच्छा सा बिज़नेस सेट करना है, चाहे आप गांव में हो चाहे सिटी में हो, कहीं भी रहते हो, ये बिज़नेस कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक बार सेटअप कर दिया बिज़नेस को, फिर लॉन्ग टर्म तक पैसा छाप सकते हो। एक बार इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी आपको इन्वेस्टमेंट खुद से नहीं करना है, बैंक देती है लोन वगैरह। कैसे लोन करेंगे, क्या करने हैं और किस तरीके से धंधा करना है, क्या करना है, पूरा इसी वीडियो डिटेल्स में बताने वाला हूँ। बस आप इसी वीडियो में बनी रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन इसी बताऊंगा कि कैसे बिजनेस करना है, कहां से माल लेना है, कहां बेचना है, किधर बेचना है, पूरा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए किस तरीके से फार्मिंग की जाती है। तो सबसे पहले देखिए इस वीडियो में दिख रहे आपको किस तरीके से इनको क्लीन किया जाता है, नहलाया जाता है, इनकी देख रेख कैसे, इनके लिए छाया, नीचे का क्लीनिंग, सफाई वगैरह किस तरीके से इन फार्मिंग में किस तरीके से की जाते हैं। आप 4-5 भैंसे लेके भी आप इसका फार्मिंग कर सकते हो, 8-10 से लेके काम कर सकते हो, 20-25 कर सकते हो, 100 लोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी थोड़ी जगह देखना पड़ता है, थोड़ा स्पेस देखना पड़ता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस बिज़नेस को करना होता है। पर सबसे पहले ये बता देता हूँ, इनको क्लीन और इनका शुद्ध खाना वगैरह इनका भी सारा चीज़ देखना पड़ता है, चारा वगैरह। तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे अपने लोकेशन में, अपनी नज़दीकी सिटी या कहीं भी कस्बे में देखेंगे कि ऐसा फार्मिंग कौन कौन कर रहा है। तो हम अपने नज़दीकी में डालते हैं गूगल मैप पे जाके, ऑल सिटी करके लिखेंगे, भैंस फार्मिंग ऑल सिटी करके, ऑल जितने भी होंगे जो इस तरीके के बिजनेस कर रहे होंगे वो ये देखो एक्चुअली में कौन कौन, उनके यहाँ पे भी जाके आप बात कर सकते हो, उनसे बोलना है कि आप कैसे काम करते हो, कैसे किस तरीके से करते हो, उनसे थोड़ी सलाह लेना है। सलाह लेने के बाद क्या भोजन देते हो, क्या इनको खिलाते हो, कैसे रखते हैं आप, क्या इसका टाइम टेबल होता है, क्या इस तरीके के क्या क्या देते हैं आप, उन सारी चीज़ों को ध्यान रख के उनसे डिस्कस करना है, उनके किस तरीके से फार्मिंग की जाती है, क्या है, पूरा समझना है आपको। 2-3 आपको फार्मिंग जहाँ पर बिजनेस हो रहा है, इस चीज़ का काम कर रहे हैं जो किसान लोग, उनसे जाके बात करें जाके आप, अगर उन वो लोग चीज़ आपको अच्छे से गाइड कर नहीं पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो तीसरे के पास जाएं। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन धंधा एक बार सेट हो गया तो लॉन्ग टाइम तक पैसा होगा। तो यही बता देता हूँ कि आपको ये बिज़नेस करने से पहले हमको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। सबसे पहले आपको पर्टिकुलर लोकेशन देखना होता है कि एक लोकेशन खाली ज़मीन होनी चाहिए, उसके अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे से सब कुछ आपको अच्छी तरीके से, उसके भैंसों की फार्मिंग करने से पहले आपको उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, कहाँ भैंस को का पानी की व्यवस्था, उनके ऊपर को मतलब उनकी छाया की व्यवस्था है, वहाँ पर कैसे रहेंगे, उनको पानी भोजन वगैरह सबकी व्यवस्था करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको फिर भैंस को फार्मिंग में डालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है आपको, ये सब कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आपको नोटिस करना है, बस तभी आपका बिज़नेस आगे ग्रोथ में बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये लोग घर से भी करते हैं, ये देखो इन्होंने घर पे ही, ये इनका घर है और घर से ये लोग बिज़नेस कर रहे हैं। ये 4-5 भैंसे इधर बांध रखी हैं और 4-5 इधर बांध रखी हैं। सोचो घर पे एक समर लगा रखी है और एक साइड पे उन्होंने ऐसा नांद बना रखा है जिसमें भैंसों को चारा डाल देते हैं और उनको अच्छी तरीके से जो गोबर जो निकलता है अच्छी तरीके से भैंसों को रोज़ डेली नहलाना है, किसी तरीके से गंदगी किसी चीज़ की नहीं रह पाएगी, जिस गंदगी रहेगी तो भैंस को अंदर जाता है, उससे गंदगी के साथ साथ भैंस का जो होता है ना खान पीन बिगड़ जाता है, तो उससे थोड़ा ग्रोथ कम हो जाती है भैंस की, उसका दूध का न्यूट्रिशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी चीज़ को ध्यान रखना है, तभी आप बिज़नेस को इसको डबल और बड़ा कर सकते हैं और इस बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट होता है। बस एक बार सेट हो गया लॉन्ग टर्म तक पैसा छापेंगे, एक बार सेट हो गया लॉन्ग टर्म तक पैसा छापेंगे। बस हम आपको बता देता हूँ कि आपको ये माल कहाँ से मिलेगा, कहाँ बेचना होगा, ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा, एक भरोसेमंद साइट है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट वो वेबसाइट है जो इंडिया की सबसे टॉप कंपनियों में से एक कंपनी है जो ऑलरेडी ये काम करती है, होल सेल लेन देन का सारा चीज़, इंपोर्ट आउटपुट वगैरह सब कुछ होता है, यहाँ मैन्युफैक्चरर और होल सेलर रिटेलर सब मिलते हैं। पर आपको क्या करना है, हमें मैन्युफैक्चरर और रिटेलर से भी बात करनी होती है। ये देखो एक भरोसेमंद साइट है, यहाँ पर आइए आप उनसे बात कीजिए और उनसे कॉन्टैक्ट, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, मैंने उनसे क्या क्या पूछा था क्या क्या नहीं पूछा था वो मैं बता देता हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं एक्चुअली में मैं एक गोट फार्मिंग करता हूँ, बकरी पालन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा अच्छा खासा वो अभी चल रहा है कि मैं आपकी भैंस फार्मिंग करने का सोच रहा हूँ, पर मुझे आपके यहाँ से अगर हम मुझे जो आपके बच्चे हैं आपको भैंस के वो आप मुझे प्रोवाइड कीजिए, क्या रेट लगाएंगे, अगर आपका रेट बेटर हुआ तो मैं आपसे भी माल आपको कम से कम 30-40 बच्चे आपसे यहाँ से परचेस कर लेंगे। इस तरीके से बात करनी है, इस तरीके से उनसे उनको बताना है और बार्गेनिंग भी करनी है, कम रेट पर, बहुत ही कम रेट पर खींचना है। आप उनसे ऑलरेडी
20-25 बच्चे परचेस करेंगे तो एक बच्चे की कीमत 15,000, 10,000, 5,000 भी होती है, डिपेंड करेगा नस्ल के हिसाब से, डिपेंड करता है उस चीज़ को। थोड़ा आपको सर्च करना है किस नस्ल का बच्चा पैदा महंगा होता है, क्या सस्ता होता है, क्या चीज़ होता है, देसी भी होता है, वो सारे चीज़, बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। तो वैरायटी जानने के लिए आपको गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो, वो सारी वैरायटियाँ के बारे में बता देगा, कौन सा कॉस्ट क्या होता है, कौन सा नहीं होता है, वो सारी चीज़ होता है, डिपेंड करता है। देखो ये ऑलरेडी 25,000 का, 15,000, 10,000, ये 25,000 का एक्चुअल नहीं है, इन्होंने रेट बढ़ा रखा है। आपको क्या करना है, बार्गेनिंग करनी है, 15,000 रुपये, 15,000, 20,000, आप कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लगा के अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हो तो डिपेंड करना पड़ेगा आपको। एक पर्टिकुलर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैंक को आपको एक लघु उद्योग रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपनी फर्म के नाम से एक रजिस्ट्रेशन लागू कर लेना। आप फिर बैंक में अपनी एक थोड़े ज़मीन दिखाइए, जहाँ पर आपने रेंट पर ले रखी हो, जैसे भी ले रखी हो ज़मीन, वो ज़मीन फार्म वगैरह दिखाना रहता है कि नॉर्मली हमारा ही रहा, बाकी का पैसा आप गवर्नमेंट आपको देती है लोन। आप जाइए लघु उद्योग का रजिस्ट्रेशन लेकर, रजिस्ट्रेशन फ्री में बनता है, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो जाता है और एक बैंक का डिटेल चाहिए होता है। आप खुद से भी अप्लाई करा सकते हो, नहीं करना हो तो नॉर्मली 50-60 रुपए लेगा, वो आपको अप्लाई करके दे देगा, आप बैंक में लगा सकते हैं। बैंक में आपने अपने बताइए, अपने अपने बिज़नेस मॉडल के बारे में बताएंगे, उनको इस तरीके से बिज़नेस समझा देंगे, वो आपको लोन भी प्रोवाइड करेंगे। अगर नहीं देते हैं तो MSME की लाइन पर जाके आप उनको कंप्लेंट कर सकते हो डायरेक्ट, उनको आप तो उनको बता सकते हो कि हमको ये लोन प्रोवाइड नहीं करे। बस एक बार धंधा सेट तो पैसा आपकी बारिश होगी, ऑल द बेस्ट। इस तरीके से धंधा सेट होता है, जब आपको लोन मिल जाए तो ऑल द बेस्ट। फिर क्या, आपने धंधा सेट होने के बाद फिर क्या, पैसे ही पैसे छापने, क्या पैसे ही पैसे छापने, वो ऐसा धंधा सेट हो जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपने ये वीडियो देखा हुआ है तो बहुत अच्छा लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द आपके पास पहुँचे। शायद आपको ये वीडियो आपके काम का ना हो, पर लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए डालूँगा, शायद वो आपके लिए बहुत काम का, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट रहेगा कि हम आपके होप के लिए मैं आपके बिज़नेस रिकॉर्डिंग वीडियो डालूँ, जिससे आपका बहुत काम आए। थैंक यू।